दो हाथ दो पैर में, उंगली का नीचे, चार उंगली का नीचे फेफड़े का पॉइंट रहता है, तमा के लिए श्वसन रोग संबंधी फेफड़े में सब रोग में रहता है। इनको हम दबाएंगे। दो हाथ में दो पैर में इक्वल पॉइंट रहता है, खाली पेट या नाश्ते खाने का दोगुना छोड़ के जहाँ दर्द करेगा किसी भी गोल वाला चीज़ से, पेंसिल पेन बाजी में किसी भी गोल वाला चीज़ से दबाएंगे। जहाँ जहाँ दर्द करेगा सभी पॉइंट को हम दबाएंगे। इसे दमा अस्थमा ठीक करने के लिए एक एक रामबाण एक्यूप्रेशर है। जो फेफड़े का पॉइंट है, हाथ में स्थान में भी है, ये फेफड़े का पॉइंट है। दो हाथ दो पैर में इक्वल इस स्थान में दर्द करेगा, इनको दबाना है खाली पेट या नाश्ते खाने का दो घंटा छोड़ के। इससे दमा, एलर्जी, कॉफ, टीबी बा जो पानी भरता है भर जाता है, प्लूरा में पानी भर जाना, सड़ना, न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस, छाती में दर्द, छाती की हड्डी में दर्द इत्यादि रोग में ये रामबाण जो एक्यूप्रेशर है इनको दबाएंगे। नहीं तो प्रति अंगुली में जो बीज वाला है, अंगुली का जो रेखा का जो बीज वाला रहता है, यहाँ भी दर्द करेगा, इनको भी हम दबाएंगे। और सभी अंगुली 20 अंगुली में ये मिलेगा, जहाँ जहाँ दर्द करेगा दबाएंगे। और एक खाली पेट नाश्ते में दोनों दबाएंगे, ये रामबाण नुस्खा है, एक्यूप्रेशर है, इनको दबाने से भी दमा अस्थमा ठीक होता है। इनके छोड़ के हम अलग अलग स्थान में भी एक्यूप्रेशर कर सकते हैं ज़्यादा लाभ लेने के लिए। हम यदि दो पैर और दो हाथ के जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो ये जो दिखाया गया है चित्र में, इनको यदि हम दबाते हैं, इससे भी लाभ मिलता है। और जो पिनियल ग्लैंड है, जो थायराइड का पॉइंट है, दो हाथ दो पैर में और जो चित्र दिखाया गया है इस स्थान में दर्द करेगा, इनको भी हम यदि दबाते हैं और इससे भी लाभ मिलता है। इसी प्रकार इस स्थान में भी हम दबाएंगे, पैर में भी जिसे दिखाया गया स्थान में दबाएंगे, हाथ में भी इसे देखें, दो हाथ दो पैर में से भी दबाएंगे, इस स्थान में भी दबाएंगे। जो जॉइंट है, तर्जनी, अंगूठा का बीच वाला जो एरिया है, इनको भी दबाएंगे, दो हाथ में दबाएंगे। दो हाथ दो पैर में जो जी चैनल भी दबाएंगे, दो उंगली का बीच में जो चैनल होता है इनको दबाएंगे। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कहीं गलत दबेगा तो कुछ नुकसान नहीं है। खाली पेट या नाश्ते खाने का 2 घंटा छोड़ के हम दबाएंगे और सभी पॉइंट, दर्द वाला पॉइंट को 100 100 बार दबाएंगे। कोई भी गोल वाला चीज़ से दबाएंगे, पेंसिल हम ले लेंगे, इसमें गोल वाला पेंसिल से दबा सकते हैं, या कोई भी पेन भी ले लेंगे, इससे भी दबा सकते हैं गोल वाला, लेकिन गोल होना चाहिए। या इसे जिमी से भी हम दबा सकते हैं, कोई भी गोल वाला चीज़ लेके हम दबाएंगे। पानी पी के दबाएंगे, लेकिन दबाने के बाद आधा घंटा तक पानी नहीं पियेंगे या नाश्ता खाना नहीं करेंगे। गले में जो गड्ढा स्थान रहता है उस स्थान को भी थोड़ा दबाएंगे और जीभ को थोड़ा निकाल के दांतों से हल्के से दबाने से भी लाभ मिलता है। कोई भी गोल वाला चीज़ ले लेंगे, तो हथेली का बीच में रखे जो घुमाते हैं, इससे भी लाभ मिलता है। और ये सहकारी लाभ के लिए मैं बोल रहा हूँ। चेहरे तथा कानों पर भी दमा अस्थमा फेफड़े संबंधी रोग ठीक करने के लिए पॉइंट रहता है। जैसे पिक्चर नंबर आकृति नंबर 15 में पॉइंट नंबर 11 और आकृति नंबर 17 में पॉइंट नंबर 19 20, आकृति नंबर 18 में पॉइंट नंबर 6 17 18 19 29 और 31 नंबर पॉइंट को हम दबाएंगे, इससे भी लाभ मिलता है। पॉइंट नंबर 11 में जो सांस लेने में कठिनाई होता है और किसी किसी को एम्बुलेंस में भी लेना पड़ता है हॉस्पिटल, और दमा कफ इत्यादि बीमारियों के लिए हम
जो गले में जो गठा स्थान आते हैं, वो गठा स्थान को हम धीरे धीरे हल्का सी अंगुल से दबाएंगे, धीरे धीरे दबाएंगे, जोर से नहीं दबाएंगे गठा स्थान को, इससे लाभ मिलता है। 19 और 20 नंबर पॉइंट को दबाएंगे, बाएं तरफ फेफड़े समुद्रों के लिए। 12 और 13 ये दाएं फेफड़े संबंधित है, तो चेहरे पर हम दबाएंगे। 19 और 20 ये पॉइंट को दबाएंगे तमास्थमा में, ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये हाथ से उंगलियां से जैसे अंगूठा व मध्यमा से हम दबाएंगे। 12-13 का जो दर्द करें इनको भी दबाएंगे, उससे भी तमास्थमा में लाभ मिलता है। खाली पेट या नाश्ता खाने का 2 घंटा छोड़ के दबाएंगे। कानों पर भी पॉइंट रहता है, जैसे 6 नंबर पॉइंट और 17 नंबर, 18, 19, 29, 31 नंबर पॉइंट रहता है। ये होता है कानों में 6 नंबर पॉइंट, ये होता है 17 नंबर पॉइंट, ये 18 नंबर पॉइंट, ये 19 नंबर पॉइंट, ये 31 नंबर पॉइंट और 29 नंबर पॉइंट। ये जो 6 पॉइंट को हम दबाएंगे, 29, 31, 18, 17, 19 और यहाँ पर 6 नंबर पॉइंट, कोई भी छोटे गोल वाला चीज़ से हम दबाएंगे। इसे आँख पेटी का तिल होता है, मैच बॉक्स का स्टिक होता है, नहीं तो इसे स्टील में स्टील का जिमी ले लेंगे मीडियम टाइप का, और इससे भी जो हम दबाते हैं इससे भी, और जहाँ दर्द करेगा खाली पेटा नाश्ते खाने का थोड़ा छोटी दबाते हैं, इससे भी दमा अस्थमा में ज़बरदस्त लाभ मिलता है, इनको भी हम दबा लेंगे। तो इसी तरह एक्यूप्रेशर द्वारा अपने अपने जो बीमारियां हैं सांस रोग का दमा अस्थमा को सब देश ठीक कर ले। सभी मित्रों और साथियों को भी जरूर फॉरवर्ड करें, और उनके हितों में सभी को ओम प्रणाम।